भारत का संविधान है उसके लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण का मतलब वो कैसा दिखता है, क्या विशेष बातें हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो लक्षण में एक बहुत बड़ा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा पहला लक्षण आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया के सारे देश, जितने भी देश है, चाहे वो लोकतंत्र है चाहे वो राजतंत्र है, सभी में संविधान है और भारत का जो बड़ा संविधान सबसे। फिर हम कह सकते हैं कि लिखित में भी है, कई देशों में पता लगा है कि वहां अलिखित संविधान है, रीति रिवाजों पे चलता है, लेकिन हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लिखित भी है और इसमें सभी नागरिकों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए विशेष प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, समानता है, बंधुता है, मौलिक अधिकार है। तो एक लक्षणों की, विशेषताओं की इसकी पूरी लिस्ट सामने आ जाती है। लेकिन जो हम पुस्तक में पढ़ेंगे, हमारे अध्याय में बताया गया है इस पाठ में कि ये जो हमने इसमें पढ़ना है कि भारत का संविधान संघवाद जो इसमें आप पढ़ोगे, जो मुख्य रूप से हमने संघवाद की जानकारी देनी है भारत के संविधान को पढ़ने के लिए, भाई संघवाद है क्या। संघवाद के बारे में जैसे हम जानते हैं कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी भारत के ही अंग हैं और पूरा जो देश की शासन व्यवस्था चलती है, हम कहते हैं भारत के बारे में भारत संघों का संघ है, राज्यों का संघ है। जिस तरीके से अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हम केंद्र सरकार जिसको भारत सरकार कहते हैं, इसके अलावा अगर हम हरियाणा सरकार की बात करते हैं, हरियाणा राज्य में हरियाणा सरकार है और उससे भी नीचे अगर हम जिला स्तर पे जाएं, फिर पंचायत गांव स्तर पे जाएं, गांव में भी ग्राम पंचायत है वो भी सरकार है। तो कुल मिला के ये छोटे छोटे जो संघ है और संघों के ऊपर संघ है, एक पूरी व्यवस्था है, केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर जिला स्तर पे जो सरकार है, फिर स्थानीय स्वशासन की जो सरकार है, इन सभी इकाइयों को जोड़ के हम कहते हैं कि भारत संघों का संघ है। इसको विस्तार से पढ़ने के लिए आप अलग अलग राज्यों का नाम लिख सकते हैं और सभी राज्यों को मिला के फिर हम दिखा सकते हैं कि एक ऊपर सबसे पहले सर्वोच्च स्तर पे भारत सरकार है, फिर राज्यों की सरकार है और फिर स्थानीय स्वशासन की जो हमारी ग्रामीण ग्राम स्तर पे सरकारें हैं। तो संघवाद की ये हमारा ढांचा है और ये भारत के संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में प्रकट होता है। दूसरी बात अगर हम इसमें आगे देखें तो ये एक संसदीय शासन प्रणाली भी है इसमें, जो एक मुख्य विशेषता है। भारत की संसद का चित्र आपने देखा होगा जब आप समाचार देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं। भारत के जो संसदीय जो व्यवस्था है, संसद का जो चित्र है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत के संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है कि जैसे संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, और लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 साल के लिए और सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो भारत के नागरिकों के द्वारा जिनका 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 वोट बना हुआ है, मतलब जिनका वोट मतदान सूची में जिसका नाम है मतदाता सूची में, उसको हम उनके द्वारा सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, जिसको हम सांसद भी कह सकते हैं, और MP मुख्य शब्द जो आप सुनते हैं आमतौर पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। दूसरा राज्यसभा है जिसके सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की सरकार के द्वारा, राज्य के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा, जो राज्य सरकारों के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के जैसे 543 सदस्य हैं और राज्यसभा के 250 सदस्य हैं, दोनों मिलके, दोनों सदन मिलके संसद का निर्माण करते हैं और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्णय सभी की सहमति से लिए जाते हैं और मेजोरिटी से लिए जाते हैं, बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, देश के हित में जो निर्णय लिए जाते हैं, और वो जो प्रणाली है इसी प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। और इसके तहत अगर हम तीसरी बात हम देखें कि संसदीय प्रणाली में देश के जो शासन में कार्यों का बंटवारा भी है, भाई बहुत सारे काम है हमारे देश के लिए करने के लिए। तो संसदीय प्रणाली में तीन प्रकार के मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं, तीन प्रकार के कार्य है, न्यायपालिका, विधानपालिका और एक कार्यपालिका। तो इसमें न्यायपालिका में जैसे आपने देखा होगा जितने भी हमारे देश में अदालतें हैं, जो छोटी अदालत है जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय है, फिर पूरा राष्ट्रीय स्तर पे एक उच्चतम न्यायालय है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो एक पूरी व्यवस्था है। तो न्यायपालिका में हमारी जो न्याय व्यवस्था है,
जितनी भी हमारी अदालतें हैं वो न्यायपालिका में आती है। छोटी अदालत है, बड़ी अदालत है और देश की सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे बड़ी अदालत है। विधान पालिका में जितने भी हमारे संसद है, संसद के दो सदन है और सभी राज्यों की विधानसभाएं हैं वो विधान पालिका में आते हैं। और विधान पालिका का जो काम होता है कानून बनाना, कानून बनाने का मुख्य कार्य विधान पालिका है का है। और तीसरा जो है कार्यपालिका, कार्यपालिका में कार्यपालिका का जो मुख्य काम है वो है कानूनों को लागू करना। जो काम विधान पालिका कानून बना के करती है उस कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका में अगर हम देखें भारत का राष्ट्रपति से लेकर भारत के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो देश में कानून को लागू करने का काम करते हैं। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी अगर टीचर हैं तो वो भी कानून के तहत हैं। तो हमें भी ऊपर से आदेश आते हैं भाई, जो सरकार के आदेश आते हैं बार बार चिट्ठी आती है। जैसे अब आजकल हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, अगर हम देखें तो इसके ये ऊपर से जो सरकार के जो कानून है उनको लागू करने का हम करते हैं। तो हम भी कार्यपालिका के अंग है। अगर आपके आसपास आप देखना, कुछ उदाहरण नोट करना भी, कौन कार्यपालिका का अंग है और कौन विधान पालिका का अंग है और कौन न्यायपालिका का अंग है। ये आपके लिए घर से भी आप इसकी जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, अपना जो होमवर्क में आप इसको शामिल कर सकते हैं।